एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी पी किचन। आज हम बनाने वाली हैं मैंगो आइसक्रीम। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी तरीके से आप घर में बना सकते हो। तो पहले मैंगो को छील लो, और मैंगो पके हुए नहीं रहने चाहिए और मीठे भी रहने चाहिए। तो मैंने मैंगो को छील लिया, उसके बाद इसको मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लो, और ग्राइंड करने के बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर इसको अच्छे से जब तक इसका चटनी ना बन जाए, ऐसे प्यूरी बनाकर उसके बाद दूध डालना, अपने मन के हिसाब से नहीं डालना, बस 1 kg या 1.5 kg डाल देना। और दूध मलाईदार हो तो और ज़्यादा अच्छा होगा, और दूध अच्छे से बॉईल आ जाए तो ऊपर आ जाए तो उसको फ्लेम कम कर देंगे, और तब तक हम कॉर्नफ्लोर घोल लेंगे। तो मेरे पास ये कॉर्नफ्लोर ख़त्म ही होने वाला था तो मैंने सारा डाल दिया, और मैंने 2 चम्मच डाला हुआ था, 2 चम्मच आप भी डालना। उसके बाद दूध बॉईल हो चुका है तो उसमें हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर, और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। फिर हम डालेंगे 1 कप चीनी, और इसका जब क्वांटिटी आधा ना हो जाए, कुछ ऐसे ऐसे चलाते चलाते इसका कचुम्बर ना निकाल दे, तब तक हम चलाते रहेंगे, और इसका कुछ ऐसा हो जाएगा थिकनेस, तो हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैंगो, जो जिसका प्यूरी बना हुआ है वो मैंगो। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छे से घूम घूम कर मिक्स ना हो जाए, और मिक्स होने के बाद कुछ ऐसा होगा, और देख सकते हैं इसका थिकनेस। उसके बाद अपने बर्तन ले लेंगे, कोई भी आप बर्तन ले सकते हो, और बस ढक्कन उसका रहना चाहिए, और फ्रिज में डाल देंगे, और 2 घंटे बाद देखेंगे तो ये तैयार हो जाएगा आपका। अगर फ्रिज लो मीडियम पे है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, और मेरे में तो 2 घंटा लगा था। उसके बाद मैंने इसको ऐसे काटा, मेरे पास कटर नहीं था ना आइसक्रीम वाला, तो मैंने कलछुल से ही काम चला लिया। उसके बाद ये कुछ ऐसा तैयार हुआ था, और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा था। आप घर पे बना सकते हो, तो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।